गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? हम सब ठीक है। आज सैटरडे है, आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी है, आज मुहर्रम भी है। अभी तैयारी चल रही है मेरी। हाँ, मुहर्रम की तैयारी चल रही है। और यहाँ मैं आप बच्चों के लिए ओट्स का खीर बनाई थी, वही खा रहे। बहुत अच्छा बनता है, मैं अपने स्टाइल से बनाई हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हर खाने में मतलब यूनिक कुछ डालना, यूनिक स्टाइल करना है। बेटी में मुझे अदरक लहसुन पीस के दे दी। अभी मैं जा रही हूँ, हो गया। हाँ। चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ फ्रिज में 2 घंटे के लिए। इधर मैं मशीन भी चला के रखी हूँ, कपड़े भी धुल रहे। बस आज का दिन तो वैसे ही निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा कैसा क्या है क्या नहीं है। अभी चले मैं पहले चिकन मैरिनेट करती हूँ, क्योंकि मुझे खिचड़ा भी बनाना है आज के दिन। हम लोग घर में खिचड़ा बनता है और ताजिया वगैरह भी होता है। खैर यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता। हम लोग जा, मैं तो सच में तो मैंने लाइफ में कभी देखा ही नहीं। नहीं देखी थी जब तो छोटी थी, जब तो छोटी थी ना, तब पापा का पोस्टिंग था इसमें सीतलपुर में, तब देखे थे हम। मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वही गली से निकला था ताजिया। वो होता है वो हसन हुसैन के इसमें, मतलब दुख के वजह से करने के लिए वो, मैं इतना ही नहीं जानती, लेकिन इसके लिए मनाया जाता है मुहर्रम। नहीं नानी के वहाँ भी पता नहीं चलता, वहाँ पर लाख तक में पता चलता। जो खा लो बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार ही बस देखी थी, वही देखा, आज तक फिर कभी देखी ही ताजी। कोई लोग बोलते हैं हम लोग को ताजिया देखने देना नहीं चाहिए, पता नहीं, मेरे को नहीं जान पता इस चीज़ के बारे में। उसमें हसन हुसैन की यादों में किया जाता है। चलो मैं अभी चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ। घर का काम भी बहुत करना है, नमाज भी है, नमाज भी स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ पा रही थी, मेरी टेबलेट ख़राब थी। आई मतलब बहुत मुश्किल है। अभी मैं नहा धोकर सिरनी बनाऊँगी, उसके बाद फिर नमाज पढ़ूंगी, खुद ही मैं फतेह करूंगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता कुछ भी। और पोस्टिंग कैसे की छुट्टी है? हाँ ठीक है, अभी तंग मत हो, चलो फटाफट खा लो। दोपहर का टाइम है, नमाज भी हो गया, फतेह भी मैं, फतेहा भी मैं कर ली, और आज खिचड़ा भी बना ली। उसी से मैंने आज फतेह कर लिया। मुझे आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कोई यहाँ किसको बुलाऊँ, क्या करूँ। हस्बैंड भी सर होते तो वो कर देते, लेकिन क्या करो, मुझे ही करना पड़े। कर ली अभी, बस बच्चों को देती हूँ खाना, बच्चों लोग को भूख लग रही। एंजल जब तुम नहाने चले जा, ठीक है? वो पता आए तो खुद तो कोई प्रोजेक्ट ट्रिक नहीं आ रहा, मेरे को सिखाने की कोशिश कर रहे। ये मैंने आज खिचड़ा बनाया है, फटाफट प्रेशर कुकर में बना दी। मैं बच्चों लोग को देती हूँ खाने के लिए। ये फतेह का है जो मैं अभी दूंगी बच्चों लोग को थोड़ा थोड़ा करके। आयन इसको खाना, लेकिन वेस्ट मत करना, फेंकना मत, ठीक है? इसको मैं अलग से दूंगी, बढ़िया से खा लेना। चलो मैं खाना निकाल रही हूँ। मम्मा बोल रहा है, मम्मा देखिए कैसे मेरे बच्चे फिर से स्टोरी बुक निकाल ली। खिंचानी मत करो तो फटेगा नहीं, खिंचाना निकले तो फट जाएगा, ठीक है? मंडे पापा भी आ जाएंगे सच्चे। मम्मा उससे पूछे तो उसमें लिखा क्या हुआ है टाइटल पेज में? क्या लिखा हुआ है? बिना मतलब खाई उसको बस खाना है, ऐसा ही है नौटंकी। क्या बोली रसगुल्ला भी इसको करने के लिए किया नहीं है। मेरा बेटा है महाराज, बस काम वही है, घुसा मारो मुंह में। और ये मेरी बेटी महाराज, पिक्चर देख के बोर लग गई यार, कभी कभी लगता है बोर हो रही हूँ, मतलब कहाँ जाऊँ क्या करूँ समझ भी नहीं आता। कहाँ से घर नजदीक है, घर में चले जाते। दो तुम छुट्टी थी, नानी घर चले जाते। हाँ नज़दीक होता तो अभी नानी के घर हम लोग चले जाते, वहीं रहते फिर आ जाते। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना हमसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो ये तो क्यों तंग करता है? तो इतना ज्यादा तंग करता है कि मत पूछ। कास कैसे से करेगा साफ,
मैं पापा को बोलूंगी रुक जा, क्या क्या काम करता रहता है। अभी फोन आने से बताती हूँ। क्या पेन किंग क्या किया ऐसे करके फादर मैंने बोला कैट मत कर मेरा पहले मेरे को दर्द पड़ेगी वो वाले उसने पेन एग्जाम में मेरे को रखी नहीं था एग्जाम योग चार में लिखे थे ना दो तो भी चल रहे दो उसमें रखे हुए थे। अच्छा उसमें से एक खराब कर दिया वाला। कितना चुचुंदर लड़का आज मुझे देती तो क्यों इतना जलाता है रे मम्मा आप ही जलाती है हाँ आप ही जलाती अपनी बेटी मैं पीट देख क्या क्या देख क्या कर लिए ये सब मैं कल तो रगड़ रगड़ कर तुझे नहलाऊंगी रुक जा स्टील वाला रोल लाऊंगी रगड़ूंगी मैं तुझे तू बहुत तंग करता है अच्छा ज्यादा तू खाना खा के सो जा मेरे को बहुत मेरे से बर्दाश्त नहीं होता तेरी हरकतें सब कल तो संडे हो जो भी हो तू सो बेटा पी लिया दूध पी लिया चलो पंखे का स्पीड कम करो ठंडी लग रही है 5 में है ना 3 में कर दो एसी अरे आज तो मौसम ठंडा है एसी चलाने की जरूरत ही नहीं है। ओह माय गॉड होता है ये तो दिन भर उसका शवर दिन भर बाप रे बाप तंग करके रखा हुआ है इस लड़के ने अभी बस दवाई खा लेते दवाई खाने के बस सोने की तैयारी करते हैं ना यार बस आज का दिन भी वैसे ही गया। देख कल मैं तुझे याद रखा मैं वो बर्तन धो ना स्टील रोल है ना उससे तुझे धोऊंगी मम्मा पकड़ेंगे आएगा फैन ये पंखा ही बंद कर दिया ये लड़के ने रात में भी इसका शैतानी खत्म नहीं होता बहुत तंग करता ये लड़का आज तो एसी की जरूरत ही नहीं है फिर भी एसी ये मेरे ये अल्लाह खत्म ही होने वाले लाना पड़ेगा मेडिसिन मेरा इसी के इसी मेडिसिन महरम 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 भी महरम भी बस खत्म और पापा भी आने वाले हैं 3-4 दिन में अंदर कल नहीं पर 3-4 दिन के अंदर पापा ही पापा का हो गया पोस्टिंग ना पापा का पोस्टिंग हो गया ना डबल चीज चीज बर्गर तू ये खा की को मुझे अपना फिटनेस प्यारा है मुझे अपनी शक्ल फिटनेस मुझे मुझे इसीलिए तो चिली चिली का पोटा तो मैं खाई हूँ तू खा तू सर बन क्या हुआ सही छोड़ दिया था डबल चीज बर्गर के साथ इसी साथ में आज कर लोग यही एंड करती हूँ मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ आज बस आज का दिन मेरा ऐसा ही गया महरम भी था महरम को फिर बिजी भी हो गई थी ज़्यादा कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई इसके ये तो इसका तो अलग ही नाटक है मुझे बोल रहा कि मैं आइसक्रीम बना रहा हूँ आज इंस्टाग्राम में बहुत रील्स बना आग लगा दी अरे इसी के अब बस बहुत हो गया अभी मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ भाई बहुत कर लिया अभी चलो तुम दोनों ही खाओ